नमस्कार दोस्तों, बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष ने ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को काफी प्रबलता और प्रमुखता से उठाया है और वह उठा भी रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पर इसी तरह के मुद्दों को केंद्रित करते हुए विपक्ष जो है अपनी राजनीति को करने वाला है। इसी बीच राहुल गांधी ने काशीराम के एक नारे को फिर से याद करते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने भी आखिर बहुसंख्यकवाद में गलत किया है ये कहते हुए रिप्लाई किया। प्रधानमंत्री ने इसी की प्रतिक्रिया में ये सवाल किया है। जाहिर है उन्होंने काशीराम के नारे का संदर्भ बदलते हुए उसे हिंदू बहुसंख्यकवाद के चौकटे में रखकर देखा और पीएम की राय ये है कि इस नारे का इस्तेमाल कांग्रेस पर उल्टा पड़ सकता है। इस सवाल का सीधा रिश्ता जातिगत जनगणना को मिले इंडिया यानी कि INDIA गठबंधन के समर्थन से उपजे राजनीतिक विवाद और उस हिंदू वर्चस्ववाद से है जिसकी भारतीय जनता पार्टी परोपकारी करती रहती है और इंडिया गठबंधन विरोध जाहिर है। हम सवाल पर खूब जतन के साथ सोचना और विचारना और उसका जवाब तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। गौर करें कि यहाँ दो दावे हैं और उनमें वजन में एक दूसरे के बराबर ठहराया जा रहा है। पहले दावे का रिश्ता अस्मिता और राजनीति से जुड़ा है, जिसमें एक जाति को आधार बनाकर की जाने वाली राजनीति है और दूसरे में धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जाती है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर समुदायगत पहचान को आधार बनाकर की जाने वाली राजनीति के इन दो रूपों में कौन किससे बेहतर है। अगर हम सांप्रदायिकता के विरोध में हैं तो हम जातिवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं। दूसरे दावे का रिश्ता बहुसंख्यकवाद के दो रूपों से है। एक का आधार है बहुजन समाज का संख्या बल, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आता है, और दूसरे का आधार है हिंदुओं का संख्या बल। अगर हिंदू बहुसंख्यकवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है तो बहुजन समाज का बहुसंख्यकवाद भारत के लिए कैसे सही हो सकता है। समझे कि इस चश्मे से देखें तो मंडल की राजनीति भी उतनी ही बुरी है जितने की मंदिर की। इन दोनों में से किसी का एक समर्थन करना और दूसरे का विरोध करना सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद कहलाएगा। इसमें सिर्फ जातिगत, धर्मगत या नस्लगत लामबंदी ही शामिल नहीं, बल्कि महिलाओं, क्षेत्रों और राष्ट्रों का आधार मानकर लामबंदी करना भी शामिल है। पहचान प्रदत्त नहीं होती, राजनीति का मतलब होता है लोगों को एक ऐसे एकजुट करना कि वे एक समुदाय के रूप में सामने आए। इस प्रक्रिया में राजनीति किसी पहचान को विशिष्ट बताने के लिए कभी उसके इर्द गिर्द लकीर खींचती है तो कभी पहले से ही मौजूद लकीरों को मिटाती है। यह बात जितनी दलित जन या हिंदुओं की राजनीति लामबंदी पर लागू होती है उतनी ही किसानों या छात्रों के लामबंद करने की कोशिश पर भी लागू होती है। तो यहाँ पे समझना होगा कि इन दो सब्जेक्ट को, इन दो शब्दों को हम किस तरीके से जायज ठहरा सकते हैं या इनका विरोध कर सकते हैं। इन दोनों का समर्थन और इन दोनों का विरोध कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक समझ और आपके एजेंडे को एक्सपोज कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।